उपक्लेश सुत्त मध्यम निकाय का 128वां सूत्र है। उपक्लेश सुत्त क्लेश जिसे संस्कृत में क्लेश और पाली में किलेश कहते हैं, ये जो शब्दावली है पतंजलि योग सूत्र से बहुत मिलती जुलती है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उपक्लेश सुत्तं एवं मे सुतम, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी में घोषिता आराम के नाम के घोषिता आराम नाम के एक आश्रम में विहार कर रहे थे। उस समय कौशाम्बी के रहने वाले भिक्षु झगड़ा बड़ी रुचिपूर्ण बात है, झगड़े को पाली में भंडन कहा गया है, मराठी में उसे भांडण कहते हैं और पाली में भंडन, झगड़ा कलह विवाद करते हुए परस्पर एक दूसरे को बातों ही बातों में भला बुरा कहते फिरते थे। तब किसी एक भिक्षु ने भगवान के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया और फिर निवेदन किया, भंते यहाँ कौशाम्बी में कौशाम्बी के भिक्षु झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, विवाद करते हैं, एक दूसरे को बातों ही बातों में भला बुरा कहते हुए फिरते हैं। अच्छा होगा भंते कि आप भगवान उन पर कृपा कर उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए वहां आए। भगवान ने मौन भाव से भिक्षु का निवेदन स्वीकार कर लिया। भगवान उन भिक्षुओं के यहां पहुंचे। पहुंचकर भगवान ने उन भिक्षुओं को आदेश दिया कि यह झगड़ा, यह कलह, यह विग्रह, यह विवाद तत्काल बंद करो। भगवान द्वारा ऐसा कहे जाने पर उनमें से कोई भिक्षु बोला, भंते भगवान तो धर्म के स्वामी हैं, आप रहने दो, आप इस पर ध्यान मत दो, आप अपना देखो, आप तो एक तरफ विहार करके जो भी धर्म आपको दिखाई देता है उसमें सुख से विहार करो, इस कलह या विवाद को तो हम स्वयं ही निपटा लेंगे। भगवान ने दूसरी बार फिर आदेश दिया, यह झगड़ा, यह कलह, यह विग्रह और यह विवाद तत्काल बंद करो। दूसरी बार भी उनमें से किसी भिक्षु ने उत्तर दिया,
भंते भगवान, आप तो धर्म के मालिक है, आप अपने आप में खुश रहो, आप इस पर ध्यान मत दो, आप तो एक तरफ रहकर आपको जो भी धर्म दिखाई देता है उसमें सुख विहार प्राप्त करो, इस झगड़े को इस भांडण को हम अपने आप निपटा लेंगे। भगवान ने तीसरी बार भी भिक्षुओं से कहा, यह झगड़ा, यह कलह, यह विग्रह और यह विवाद तत्काल बंद करो। तीसरी बार भी उनमें से किसी भिक्षु ने कहा, भंते भगवान तो धर्म के मालिक है, आप अपने आप में सुखी रहो, आप इस पर ध्यान मत दो, आप तो एक तरफ विराज कर जो भी धर्म आपको दिखाई देता है उसमें सुख विहार प्राप्त करते रहो, इस झगड़े में इस तंटे में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है, हम उसे अपने आप निपटा लेंगे। तब भगवान ने पूर्वाह्न समय वस्त्र पहनकर पात्र चिवर ले कौशाम्बी में भिक्षा कर पिंडपात से निवृत्त होकर शयनासन समेट कर पात्र चिवर ले खड़े ही खड़े ये गाथाएं कही। क्या गाथाएं कही? उथु सद्दो समझनो न बालको चिमन्यथ संघस्मिं भिज्यमानस्मिं नायं भियो अमयरु। बड़ बोले वे सभी भिक्षु आपस में किसी से भी अपने को कम नहीं समझते, कोई भी अपने को अज्ञानी नहीं मानता, संघ के टूट जाने पर वे अपनी किसी दूसरे रक्षक की कल्पना भी नहीं कर पा रहे। परिमुठा पंडिता भाषा वाचा गोचर भाणिनो या विच्छन्ति मुखायामं एन नीतान तं विदु। ए मूर्ख, अपने आप को पंडित समझने वाले, जीभ पर आए किसी भी शब्द को निसंकोच बकने वाले, मन चाहे मुख का प्रसार यानी घंटों बकवाद करने वाले, इस कलह के द्वारा किधर लिए जा रहे हैं अपने आप को ये नहीं जानते। अब इसके आगे जो चार गाथाएं कही हैं वो धम्म पद में आती है, गाथा क्रमांक 3, 4, 5 और 6। क्या कहा गया? अक्कोच्छीमं अवधीमं अजीनीमं आहासिमे एचतं उपनैहन्ति वेरंते सन्न सम्मति। अक्कोच्छीमं अवधीमं अजीनीमं आहासिमे एचतं उपनैहन्ति वेरंते सूप सम्मति। नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनन्तनो परे च न विजानन्ति मयमेत्थयमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। तम्बापद की ये जो चार गाथाएं हैं उसमें से तीसरी चौथी और पांचवी जो है वो रोज भंते विमला रमसी के शिविर में सुबह कही जाती है। क्या कहा गया? मुझे इसने अपमानित किया, मुझे इसने मारा, मुझे इसने जीत लिया, मुझे इसने त्याग दिया। जिसके मन में इस तरह की गांठें पड़ जाती है उनका वैर झगड़ा कभी शांत नहीं होता। और इसके विपरीत मुझे इसने अपमानित किया, मुझे इसने मारा, मुझे इसने जीत लिया, मुझे इसने त्याग दिया, जिनके मन में इस तरह की गांठें नहीं पड़ती है उनका वैर शांत कभी न कभी हो ही जाता है। क्योंकि यहां पर वैर करने से कभी भी वैर शांत नहीं हुआ करता, इसके विपरीत अवैर से, क्षमा से ही वैर शांत होता है, प्यार से ही वैर शांत होता है। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है,
भगवान ने धर्म को सनातन कहा है, बौद्ध धर्म नहीं कहा, सनातन धर्म कहा है, जो कि कभी बदलता नहीं, इस अर्थ में शाश्वत है। सृष्टि के आरंभ से लेके पता नहीं इसका अब सृष्टि आरंभ हुई, तभी से यही धर्म चला आ रहा है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। दूसरे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वे ऐसा करते हुए मृत्यु को ही प्राप्त होंगे, और विद्वान लोग यह वास्तविकता जानते हैं, अतः इसे बुद्धि के सहारे, प्रज्ञा के सहारे शांत कर लेते हैं। आगे क्या कहा? अठिछिन्ना पाणहरा गवस्सधन हारिनो रठं विलुम्पमानानं ते संपि होति संगति। क्रूरता पूर्वक हड्डी तोड़ने वालों, प्राणी हिंसकों, गाय घोड़े अथवा धन के लुंठकों और राष्ट्र के विनाशकों को कभी भी मेल हो जाता है, तो तुम्हारा ही पारस्परिक वैर स्थायी क्यों हो? मतलब जो बुरे लोग होते हैं उनका भी वैर खत्म हो जाता है, वो भी एक दूसरे से मैत्री करने लगते हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? सचे लभेथ निपकं सहायं सतिं चरं साधु विहारि धीरं अभिभूय सप्पानि परिसयानि चरेयते नत्तमनो सतीमा। यदि कोई नम्र साधु की तरह साधना करने वाला धैर्यवान साथी मिले तो बुद्धिमान पुरुष को सब झगड़े छोड़कर प्रसन्न हो उसी के साथ मिल बैठकर ध्यान में, साधना में अपना मन लगाना चाहिए। नोचे लभेथ निपकं सहायं, अगर ऐसा नम्र साथी नहीं मिले, सद्धि चरं साधु विहारि धीरम, जो श्रद्धा के साथ चलने वाला हो, साधु की तरह रहने वाला हो। राजा वरठं विचितं पहाय, तो जैसे कोई पराभूत राजा, एको चरे मातंगरंगे वनागो। या कोई हाथी जैसे अकेला रहता है, वैसे ही अकेला रहना चाहिए। एकस चरितं सेयो नत्थी बाले सहायता। जब आदमी अकेला रहता है तो मूर्खों से उसका पाला नहीं पड़ता। एको चरे न च पापानि कैरा, और एकाकी रहने से, अकेले रहने से पाप करने की संभावना नहीं होती। अपो सुखो अल्प सुख, अल्प संतुष्ट रहता है। मातंग रंगे वनागो, जैसे मातंग नाम का जो हाथियों का राजा होता है उसी तरह। उसके बाद भगवान ने खड़े ही खड़े ये गाथाएं कहकर, उसके पास में एक गांव है कौसंबी के पास में, बाल कलवणकार नाम का, उस गांव की ओर प्रस्थान किया। उस समय वहां पर आयुष्मान भृगु विराजमान थे, उन्होंने भगवान के आते हुए दूर से ही देखा। उसने देखकर भगवान को पांव धोने के लिए पानी दिया। भगवान एक बिछाए हुए आसन पर बैठ गए, अपने पांव धोए। फिर आयुष्मान भृगु भगवान को प्रणाम कर एक और बैठ गए। उस एक और बैठे आयुष्मान भृगु से भगवान ने पूछा, कहो भिक्षु, सब कुशल तो है, तुम स्वस्थ तो हो, भिक्षा न मिलने के कारण कोई कष्ट तो नहीं है? भिक्षु ने उत्तर दिया, सब कुशल है भगवान, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक ही रहता है और भिक्षा भी सरलता से मिल जाती है।
उसमें कोई कष्ट नहीं है। तब भगवान ने उस आयुष्मान भृगु को धार्मिक कथा कहकर संतुष्ट, समुत्तेजित, आत्मस्थ अतएव संप्रहृष्ट कर, मतलब उसे दिखाया कि धर्म क्या होता है, धर्म उत्साह बढ़ाया, उसने अपने आप में जाना कि धर्म क्या है और धर्म का फल भी पाया। फिर आसन से उठकर भगवान जिधर बांसवाड़ी थी वहां उन्होंने प्रस्थान किया, बांस का वन था उस समय। उस पुरानी बांसवाड़ी में आयुष्मान अनुरुद्ध, आयुष्मान नंदीय और आयुष्मान कीमिल ये तीन भिक्षु साधना के लिए ठहरे हुए थे। उस बांसवाड़ी का जो भी रक्षक था, चौकीदार था, भगवान को आते हुए उसने दूर से ही देखा और देखकर उस चौकीदार ने भगवान को रोका, महाश्रमण आप इस बांसवाड़ी में प्रवेश न करें, क्योंकि यहां पहले ही तीन कुलपुत्र संसार के झगड़ों से दूर रहते हुए साधना कर रहे हैं। जैसे किसी विपश्यना केंद्र में कोई बाहरी व्यक्ति आए और चौकीदार उसे रेख दे कि अंदर ध्यान चल रहा है, उसी तरह यह प्रसंग है। और वो कहता है आगे कि आपके आने से हो सकता है कि उनकी साधना में बाधा पड़े। वहां से दूर पर आयुष्मान अनुरुद्ध, उन्होंने यह वार्तालाप सुनी और सुनते ही उन्होंने चौकीदार को फटकारा, अरे चौकीदार, भगवान को ऐसा मत रोको, यही हमारे शास्त्र है, यही हमारे गुरु है, उनको आने दो। तब आयुष्मान अनुरुद्ध जल्दी जल्दी आयुष्मान नंदीय और आयुष्मान किमिल के पास गए और कहा, अरे मित्रों, जल्दी आओ जल्दी आओ, भगवान यहीं आ रहे हैं। तब वे तीनों आयुष्मान अनुरुद्ध, नंदीय और आयुष्मान किमिल, उन तीनों ने भगवान का स्वागत किया। स्वागत करके एक ने उनका पात्र और चेवर लिया, एक ने उनके लिए आसन बिछाया और एक ने पांव धोने के लिए जल रखा। भगवान उस बिछे हुए आसन पर बैठे, भगवान ने पैर धोए, उसके बाद क्रम को देखो, पहले कोई पात्र ले लेता है चीवर, मतलब एक चीवर तो पहना हुआ होगा, एक चीवर दूसरा साथ में होगा, एक पात्र और चीवर ले लेता है, एक आसन बिछाता है और एक पानी का जल रखता है। उसके बाद भगवान आसन पर बैठकर पैर धोते हैं, मतलब किसी ऊंचे आसन पर बैठे होंगे, आसन पर बैठकर पैर धोते हैं। उसके बाद उन तीन मित्रों ने भगवान का अभिवादन किया। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भिक्षु के साथ कैसा व्यवहार करना है। कोई भिक्षु आता है हमारे पास तो उनका पात्र चीवर लेना है, उनके लिए आसन बिछाना है, उनको पांव धोने के लिए जल देना है और उन्होंने पांव धोने के बाद फिर अभिवादन करना है, ठीक है। अभिवादन करके वे सब एक तरफ बैठ गए। एक तरफ बैठे आयुष्मान अनुरुद्ध से भगवान ने पूछा, यह जो अनुरुद्ध था वो भगवान का चचेरा भाई था, आनंद का बड़ा भाई, उसने भगवान से पूछा, अनुरुद्ध तुम लोग कुशल से तो हो, स्वस्थ रहते हो ना, भिक्षा आदि का कोई कष्ट तो नहीं है? भंते, आपकी कृपा से सब कुशल ही है, हम स्वस्थ भी है, भिक्षा आदि का कोई कष्ट भी नहीं है। अनुरुद्ध, क्या तुम एकत्र हो
प्रसन्नता पूर्वक बिना मतभेद के दूध पानी की तरह एक दूसरे को प्रिय दृष्टि से देखते हुए साधना कर रहे हो ना। इसे पाली में कहा गया क्षीरोदको भवति। क्षीर मतलब दूध, मराठी में और हिंदी में भी दूध की जो मिठाई बनाते हैं उसे खीर कहते हैं, लेकिन केवल दूध को ही संस्कृत में और पाली में खीर या क्षीर कहते हैं। और उसमें जब पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए दूध और पानी एक दूसरे में जैसे मिल जाते हैं वैसे मिलकर रहते हो ना, एक दूसरे को प्रिय दृष्टि से देखते हुए साधना कर रहे हो ना, तो अनिरुद्ध उन्हें जवाब देते हैं, हां भंते हम एकत्र हो आनंदी होकर बिना झगड़े हुए दूध और पानी की तरह एक दूसरे से अच्छी आंख से देखते हुए प्रिय चक्षु ही अयम अयम प्रिय चक्षु ही। ये पाली शब्द बहुत ही अच्छे हैं, यहां पर पढ़ लेते हैं। समग्गा मतलब एकत्र, एक मिलजुल कर रहते हैं। सम्मोद माना खुश होकर रहते हैं। अविवद माना बिना झगड़े के रहते हैं। क्षीरोदकी भूता दूध और पानी एक जैसे एकमेक में एक दूसरे में मिलते हैं वैसे रहते हैं। अयम अयम प्रिय चक्षु ही एक दूसरे को अच्छी नजर से देखते हुए संपसंता पसंद करते हुए विहरथाति एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो कैसे तुम अनुरुद्ध एक दूसरे के साथ मिले जुले खुश रहते हुए बिना झगड़े के दूध और पानी की तरह एक दूसरे को अच्छी नजर से देखते हुए संपसंता संपश्यना विपश्यना का एक नाम है संपश्यना साधना करते हो। भंते अनिरुद्ध कहता है भगवान से, भंते मुझे ऐसा लगता है अहो मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इन अच्छे साथियों के साथ रह रहा हूं। भंते इन सब ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य में मेरे साथी मित्रों में मेरा कायिक कर्म अंदर और बाहर से मित्रता पूर्ण होता है। मेरे वाणी का कर्म मतलब बोलना, मेरा बोलना भी अंदर और बाहर से मित्रता पूर्ण होता है, और इनके बारे में मेरा सोचना मानसिक कर्म भी अंदर और बाहर दोनों ओर से मित्रता पूर्ण होता है। तब भंते मुझे होता है क्यों न मैं अपना मन अन्य चीजों से हटाकर इन मित्रों के ही अनुसार व्यवहार करूं। यो मैं अपना चित्त अन्य चीजों से हटाकर इन मित्रों के अनुसार ही व्यवहार करता हूं। भंते अब हम लोगों की स्थिति यह है कि हम केवल हमारे शरीर से अलग है लेकिन हमारे मन तो एक ही है। तब आयुष्मान नंदीय ने भी यही बात कही और फिर आयुष्मान किमिल ने भी यही बात कही कि यो भंते हम एकत्र हो प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी मतभेद के दूध और पानी की तरह सम्मिलित हो एक दूसरे को प्रिय दृष्टि से देखते हुए साधना करते हैं। तो भगवान ने कहा बहुत ठीक है अनुरुद्ध, क्या तुम अप्रमत्त मतलब बिना चुके उद्योगरत उद्योग में लगे हुए संयत संयम रखते हुए आत्मस्थ अपने आप में स्थित होकर साधना करते हो तब करते हो? तो अनुरुद्ध जवाब देते हैं हां बनते निश्चय ही हम अप्रमत्त मतलब बिना चूके उद्योगरत अच्छी तरह प्रयत्न करते हुए संयत संयम रखते हुए एवं स्वस्थ होकर साधना करते हैं। तो भगवान ने अनुरुद्ध से फिर पूछा अनुरुद्ध कैसे तुम अप्रमत्त उद्योगरत संयत एवं स्वस्थ होकर साधना करते हो? तो फिर अनुरुद्ध भगवान को कहते हैं यहां भंते हम लोगों में, अब वो तीन लोग हैं,
हम लोग में जो पहले गांव से भिक्षा करके लौटता है वह बाकी दोनों के लिए और अपने लिए भी सबके लिए आसन लगाता है, पीने के लिए जल रखता है, कूड़े का बर्तन हटाता है। जो बाद में गांव से भिक्षा करके लौटता है वह भोजन में से जो कुछ बचा रहता है चाहता है तो उसे खाता है, यदि नहीं चाहता है उसे ऐसे स्थान में रख देता है जहां हरियाली न हो या जीव रहित जल में बहा देता है। आसन तथा पीने का जल एक तरफ रख देता है, कूड़े का बर्तन धोकर जहां उसे रखना चाहिए वहां रख देता है, भोजन स्थान को स्वच्छ करता है, पीने का जलपात्र या शौचालय का जलपात्र जिसे खाली देखता है उसे व्यवस्थित रख देता है। मतलब अगर शौचालय के पात्र में पानी नहीं है या पीने के पात्र में पानी नहीं है तो उसे उसमें जल भर देता है। यदि वह कार्य उससे शक्य न हो तो वह हाथ के संकेत से दूसरों को बुलाकर स्वयं भी हाथ से सहारा देकर उसे रखवा देता है। मतलब हो सकता है कि जिसमें पानी रखा है वो पात्र थोड़ा भारी हो, एक हाथ से नहीं उठाया जा सके, तो हाथ के संकेत से दूसरों को बुलाता है और फिर उसके सहारे से उसे रखवा देता है। भन्ते, हम इस कारण उसे वाणी से भला बुरा नहीं कहते। अगर वो ऐसा करता है, अकेला नहीं उठा सकता किसी दिन, तो उसे हम वाणी से भला बुरा नहीं कहते। हम 5 दिन निरंतर रात्रि भर जागरण कर धार्मिक कथा करते बैठे रहते हैं। भन्ते, इस प्रकार हम अप्रमत्त, उद्योगरत, संयत एवं स्वस्थ होकर साधना करते हैं। तो भगवान ने कहा, साधु साधु अनुरुद्ध। परंतु अनुरुद्ध, क्या तुम्हें इस प्रकार प्रमाद रहित बिना आलस के संयत होकर साधना करते हुए आर्य ज्ञान दर्शन विशेष से ही संभव लोकोत्तर मनुष्य धर्म के अनुकार साधना प्राप्त हो चुकी है? मतलब भगवान पूछ रहे हैं कि जिस धर्म से आप सोतापन्न बन सकते हो, सकदागामी अनागामी अरहंत बन सकते हो, क्या ऐसी स्थिति पर आप पहुंच चुके हो या कोई विशेष दर्शन आपको इसमें हुआ है? लोकोत्तर मनुष्य के धर्म आपने देखे हैं? तो अनिरुद्ध उन्हें जवाब देते हैं, भन्ते, इस प्रकार अप्रमत्त, उद्योगरत, संयत एवं स्वस्थ होकर साधना करते करते हमें अवभास और रूपों के दर्शन हम जान लेते हैं, लेकिन वह प्रकाश और वह रूप शीघ्र ही लुप्त हो जाते हैं, हम इसका कारण नहीं जान पाते। मतलब साधना में ध्यान तो लगता है और कोई प्रकाश प्रकट होता है सामने और फिर कोई रूपों के दर्शन होते हैं, लेकिन वो जल्दी लुप्त हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता, ऐसा अनिरुद्ध भगवान से कहते हैं। तो भगवान अनिरुद्ध को कहते हैं, अनिरुद्ध, तुम्हें वह कारण जान लेना चाहिए। मैं भी बुद्ध बनने से पहले, जब बुद्ध नहीं हुआ था, संबोधि प्राप्त नहीं हुई थी, तब जब मैं बोधिसत्व था, प्रकाश और रूपों के दर्शन को जानता था, परंतु मेरा भी वह प्रकाश व रूपों का दर्शन शीघ्र ही लुप्त हो जाता था। तब मुझे अनुरुद्ध हो यह विचार हुआ, क्या कारण है, क्या कार्य है, क्या हेतु और क्या प्रत्यय है जिससे मेरा प्रकाश और रूपों का दर्शन लुप्त हो जाता है। तब अनिरुद्ध, मुझे यह समझ में आया, विचिकित्सा यानी शंकाएं संदेह मुझ में उत्पन्न हुई, इसी विचिकित्सा के कारण मेरी समाधि जो है च्युत हो गई, कमजोर हो गई, हट गई। समाधि की च्युति होने पर
मेरा यह प्रकाश और रूपों का दर्शन लुप्त हो जाता है। अतः क्यों न मैं ऐसा करूं कि जिससे मुझे विचिकित्सा संशय फिर उत्पन्न न हो। फिर वहां मैं अनिरुद्ध, अप्रमत्त, उद्योगरत, समयस्थ एवं साधना करते हुए प्रकाश और रूपों का दर्शन करने लगा। तो अब पहले उन्होंने विचिकित्सा को निपट लिया। कैसे निपट लिया होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे मन में कोई संशय आया, उसे जान लिया कि संशय है, उस संशय से मन को हटा लिया और देख लिया मन में और शरीर में कोई तनाव तनाव खिंचाव तो नहीं है, विशेषतः सिर में, और सिर के तान तनाव को ढीला कर दिया। असंभयंकाय संघार, और फिर मुस्कुराए और फिर अपने ध्यान के आलंबन की ओर वापस आए। तो इस प्रकार विचिकित्सा को भी हम दूर कर सकते हैं। बार 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 विचिकित्सा को इन छह पायदानों के सम्यक व्यायाम के अभ्यास के साथ देखने से विचिकित्सा दूर हो जाएगी। इसी तरह आगे क्या होगा, आगे फिर से ये प्रकाश और रूपों का दर्शन लुप्त होने लगा। तो भगवान ने फिर सोचा कि क्या हेतु है, क्या कारण है, क्या कार्य है कि ये फिर हो रहा है। तब मुझे समझ में आया कि मुझ में ये जो अमनसिकार है, मनसिकार कहते हैं योनिसो मनसिकार, सम्यक संकल्प को, और अमनसिकार मतलब मन में कोई संकल्प नहीं है, ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं है कि मैं ऐसा करूं, साधना करूं, ये साधना हो जाए अच्छी तरह से। तो ये मन में दृढ़ संकल्प भी नए नए साधक के मन में अवश्य होना चाहिए कि ये करना है। तो ये संकल्प नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, इसलिए ये समाधि जो है लुप्त हो जाती है। और समाधि जब लुप्त हो जाती है तो जो प्रकाश और रूप सामने प्रकट हुए हैं वो भी लुप्त हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करूं कि मुझ में संशय भी उत्पन्न न हो और ये दृढ़ संकल्प की कमी है वो भी न हो, तो यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि समाधि को कायम रखना है। और फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर कुछ देर समाधि कायम रही और फिर समाधि हट गई। फिर देखा कि अब क्या उत्पन्न हुआ है, तो अब थीनमिद्ध उत्पन्न हुआ। थीनमिद्ध क्या है, आलस और सुस्ती, आलस और सुस्ती मुझ में उत्पन्न हुई और उसकी वजह से समाधि लुप्त हो गई। फिर भगवान ने प्रयास किया, बोधिसत्व ने, उस समय भगवान नहीं बने थे, बोधिसत्व ने यह प्रयास किया कि आलस और सुस्ती से छुटकारा हो जाए। आलस और सुस्ती से छुटकारे के उपाय क्या है, अपने आप को जैसा आप ध्यान में बैठे हो, तो अगर 30 मिनट की साधना है, 30 मिनट के लिए कम से कम बैठे हो, 30 मिनट अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो अपनी पीठ को और थोड़ा सीधा कर दो और जब 30 मिनट पूरे हो जाएंगे उठकर थोड़ी देर चलो, मुंह के ऊपर पानी मारो और थोड़ा सोचो कि ये आलस और सुस्ती का कारण क्या है। क्या आपने ज्यादा खाना खा लिया है,
क्या आपको बद्धकोष्ठ मलावरोध, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, वो तो नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन को हटाने का एक अच्छा तरीका है कि गर्म पानी पियो। गर्म पानी शिविर के दौरान पियोगे, हर घंटे में एक गिलास गर्म पानी पियो, तो ये बद्धकोष्ठ दूर हो जाएगा। और ज्यादा सलाद खाओ तो भी ये बद्धकोष्ठ दूर हो जाएगा। इस तरह आलस और सुस्ती को आप दूर कर सकते हो। तो भगवान ने भी ऐसे प्रयास किए कि जिससे संशय उत्पन्न न हो, जिससे दृढ़ संकल्प कायम रहे, और जिससे ये आलस और सुस्ती भी साधना से दूर हो। फिर आगे क्या कहा गया? फिर भगवान कहते हैं, मुझमें जड़ता उत्पन्न हो गई, स्तंभी तत्व, शरीर जड़ जैसा हो गया। उसकी वजह से मेरी समाधि लुप्त हो गई। जैसे कोई पुरुष अंधेरी रात में कहीं जा रहा हो और रास्ते में उसके दोनों तरफ चमगादड़ उड़ने लगे। चमगादड़ मतलब आजकल जो कोरोना हो रहा है ना, मराठी में उसे वट को आघूर बोलते हैं। वो जिस पक्षी में रहते हैं उसे चमगादड़ बोलते हैं। अगर वो दोनों तरफ से आ जाए, कोई रात्रि में जंगल में से जा रहा है, तो अचानक उसके शरीर में जड़ता स्तब्धता उत्पन्न हो जाएगी भय की वजह से। तो उसे ही कहा गया चमगादड़। और फिर उस भय को भी दूर किया। भय को कैसे दूर किया होगा? फिर मन में भय जागा है, जान लिया कि भय जागा है मन में। मन में भय जागने की वजह से शरीर में जड़ता जागी है। तो उस भय से मन को हटाया और शरीर में जो तनाव और खिंचाव है उसे दूर कर लिया। फिर मुस्कुराते हुए अपने ध्यान के आलंबन पर आ गए और फिर से समाधि को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार बोधिसत्व ने काम किया, संशय को भी दूर किया, दृढ़ संकल्प भी कायम रखा, आलस और सुस्ती को भी दूर किया, और ये जो जड़ता भय की वजह से उत्पन्न हो गई थी उसे भी दूर किया। फिर अनिरुद्ध, समाधि चल रही थी और देखा कि फिर समाधि लुप्त हो गई। तो क्यों हो गई? तो यहां भगवान ने शब्द प्रयोग किया है उप्पीलम, विफलता, या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जिसे कह सकते हैं। जैसे किसी पुरुष एक खजाने की खोज में निकले और उसे अचानक एक साथ पांच खजाने मिल जाए, तो उसे विफलता प्राप्त होती है। इसी को कहा गया पीलम, उत्पीड़न भी जिसे कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद उस एक्साइटमेंट को भी दूर कर लिया, उस अति उत्साह को भी दूर कर लिया,
जाना की मन में अति उत्साह है, मन को उस अति उत्साह से हटाए और फिर अपने शरीर में उसकी वजह से कोई तनाव खींचाव है क्या देख लिया, उस तनाव खिंचाव को दूर कर लिया और मुस्कुराते हुए फिर से अपने ध्यान के आलंबन की ओर वापस आ गए। कभी कभी क्या हो जाता है कि ध्यान में कुछ उपलब्धियां हो जाती है, हमें ऐसी अनुभूति हो जाती है जो पहले कभी नहीं हुई और बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। तो उस खुशी को मेरी खुशी मानने से, अपना मानने से, उस ध्यान की उपलब्धि को अपना मानने से यह अति उत्साह पैदा हो जाता है और फिर हमारा ध्यान जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो उसको भी सिक सार करके, 6 पायदानों का सम्यक व्यायाम करके दूर करना है। उसके बाद कुछ देर के लिए समाधि लगी, फिर देखा और समाधि लुप्त हो गई, अब क्या उत्पन्न हुआ है? तो अब मन की जड़ता और शरीर की जड़ता दो स्थूल्य यह उत्पन्न हो गया है। फिर देखा कि मन में यह उत्पन्न हो गया और फिर उसे एक ओर रख के शरीर में देख लेना कि तनाव और खिंचाव कहीं पर है क्या, उस तनाव और खिंचाव को ढीला करना है और मुस्कुराते हुए फिर अपने ध्यान के आलंबन की ओर वापस आना है और फिर समाधि लग जाएगी। और कभी-कभी ये सोचते हैं कि भाई पहले तो बहुत शांति का अनुभव हो गया था, वैसा ही अनुभव फिर से आ जाए, तो मन को थोड़ा जोर लगाने लगते हैं कि और जोर लगाते हैं थोड़ा मन को, फिर से वो आ जाए, फिर से हो जाए, तो फिर मैं मेरे का भाव अपने आप में आता है और फिर उसे भंते बोलते हैं ट्राइंग टू हार्ड हो जाता है कि पुशिंग टू मच, जिसे बहुत ज्यादा जोर लगाकर ध्यान करना कहते हैं। उसमें जो मैं मेरे का भाव आने से फिर बेचैनी सी पैदा हो जाती है, साधना ठीक से नहीं हो पाती। तो ऐसे समय भी जान लेना कि हम बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुस्कुराओ अपने आप को, अपने आप के ऊपर हंसो कि मैं बहुत ज्यादा जोर लगा रहा था इसलिए ये बेचैनी आ गई, और फिर उस बेचैनी के ओर से मन को हटाओ, फिर देखो शरीर में कहीं तनाव खिंचाव तो नहीं है, और फिर से मुस्कुराते हुए ध्यान के आलंबन के पास वापस आ जाओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 6 आर में ही, ये 6 पायदानों के अभ्यास में ही हम बहुत ज्यादा जोर लगाने लगते हैं, उसको बेवजह बार बार करने लगते हैं, जबकि पहले 6 ध्यानों में 6 पायदानों का अभ्यास केवल तभी करना है जबकि जो विचार मन में जागते हैं तब हमको मन से हटाते हैं, अपने ध्यान के आलंबन से हटाते हैं तभी 6 पायदानों का अभ्यास करना है। लेकिन कभी-कभी हम अति उत्साह की वजह से बहुत ज्यादा बार करने लगते हैं और फिर बेचैनी बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है, तो ये 6 पायदानों का अभ्यास भी ठीक से नहीं हो पाता। तो ऐसे समय अगर ध्यान हो ही नहीं रहा है कुछ भी करने से, तो बस स्थिर बैठे रहो और केवल मुस्कुराओ और मुस्कुराने को ही ध्यान का आलंबन बना दो बस। अब 6 पायदानों का अभ्यास भी ऐसे समय जब नहीं बन रहा है तो छोड़ दो और केवल मुस्कुराने को ध्यान का आलंबन बनता बनाओ। धीरे धीरे मन शांत तो हो जाएगा
और जब मन शांत हो जाएगा, समाधि लग जाएगी, तो फिर जब मन शांत होने के बाद फिर कोई विचार मन में जाग रहा है या जागने वाला है, पहले ही पता चल जाता है, तो फिर उसे 6 पायदानों का अभ्यास करके, अगर वो अपने चित्त को ध्यान के आलंबन से हटा रहा है, तो 6 पायदानों का अभ्यास करके आप उसे डील कर सकते हो, उसके साथ व्यवहार उस तरह का कर सकते हो। लेकिन अगर आप 7वें या 8वें ध्यान में हो और आपको पता चल रहा है कि विचार अभी जाग रहा है, तो उसी समय उसे तुरंत रिलैक्स कर देना है। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगाना है, तो फिर समाधि ठीक हो जाएगी। और फिर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप बिल्कुल ही जोर न लगाओ, मन इधर उधर घूम रहा है और आपका ध्यान ही नहीं है। और जब आपको पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है, तो उसे भगवान ने कहा अति लीन वीर्य, ज्यादा जोर लगाने को कहा अत्यब्ध वीर्य, और फिर बिल्कुल ही जोर न लगाने को कहा अति लीन वीर्य। और जब ये समझ में आए कि हम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपने प्रयास को ठीक कर लेना है और फिर समाधि को प्राप्त कर लेना है। और फिर कुछ देर के लिए समाधि रही और फिर चली गई, फिर देखा क्या हो गया, तो कहा गया अभिजल्प। अभिजल्प का अगर हम संस्कृत और पाली देखें, तो उसका अर्थ है बातें करना, बहुत ज्यादा मन बातें करने लगता है। लेकिन जो भिक्खु बोधि ने इसका अर्थ दिया है, वो दिया है इच्छा, आसक्ति। ठीक बात है, आसक्ति की वजह से ही कोई बातें करने लगता है बहुत ज्यादा, मन ही मन, मन अपने आप से ही बातें करने लगता है। तो जब ध्यान में आवे कि मन बातें करने लग रहा है, किसी आसक्ति में चला गया है, तो फिर उन बातों से मन को हटाएं, शरीर में देखें कहीं तनाव खिंचाव तो नहीं है, उस तनाव खिंचाव को दूर करें और मुस्कुराते हुए फिर ध्यान के आलंबन की ओर वापस आए, तो फिर इस अति लीन वीर्य को भी हम दूर कर सकते हैं, या अभिजल्प को भी दूर कर सकते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा, फिर साथ समाधि लुप्त हो गई, और अब क्या कारण था? अब कारण था नानत्त संन्या। नानत्त संन्या के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो हो गया तरह तरह के मूल्यांकन, तरह तरह के, अब जो बातें पहले हो रही थी वो निरर्थक हो रही थी, अब मूल्यांकन करके हो रही है। या फिर न अनत्त संन्या, मतलब अनात्मा को नहीं पहचानना, हर चीज को मैं मेरा समझना, उसकी वजह से भी समाधि लुप्त हो जाती है। तो जो भी हो इसमें से, उसे देखे कि अभी ये मन में है नानत्त संन्या, और फिर उस नानत्त संन्या से मन को दूर करे, शरीर में कहीं तनाव खिंचाव है क्या उसे ढीला करें, मुस्कुराते हुए ध्यान के आलंबन की ओर वापस आए और फिर समाधि में डूब जाए। फिर क्या होता है, फिर ध्यान में इतना डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि चीजें अलग-अलग है, वेदना संज्ञा संस्कार। तो इतना डूबना भी नहीं है, पता चलना चाहिए, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, और ये चीज मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, इसका ज्ञान होना जरूरी है।
तो इस प्रकार इस चीज को ध्यान में कि ये कब होता है, जब हम छह पायदानों का अभ्यास किए बिना ही, छह पायदानों का अभ्यास किए बिना ही मन को ध्यान के आलंबन की ओर वापस लाते हैं मन के भटकने के बाद, तब ये अति निध्यायित्व उत्पन्न होता है, मन का किसी आलंबन में डूब जाना। क्योंकि उसकी वजह से क्या होते हैं, जब छह पायदानों का अभ्यास बिना किए हम आलंबन की ओर वापस आते हैं, तो उससे ये जो तीव्र एकाग्रता वाली समाधियां हैं उस ओर बन जाने लगता है। तो जब भी मन भटकता है जरूर छह पायदानों का अभ्यास करके ही ध्यान के आलंबन की ओर वापस आए। अगर नहीं आएंगे तो मन जो है ये अनित्य दुख अनात्मा के बारे में जानना या फिर पटिच्च समुप्पाद को देखना, वेदना से तणहा उत्पन्न होती है, फस से वेदना, वेदना से तणहा, तणहा से उपादान, उपादान से भव, ये जो पटिच्च समुप्पाद वाली कड़ियां है, अगर छह पायदानों का अभ्यास नहीं करेंगे तो इन कड़ियों को मन देख नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा छह पायदानों का अभ्यास करके ही आगे बढ़ना है। इस प्रकार अनिरुद्ध विचिकित्सा चित्त का उपक्लेश है, यह जानकर विचिकित्सा मतलब संशय को सर्वथा त्याग दिया, अमनसिकार दृढ़ संकल्प न होना, अच्छी तरह से ध्यान न होना, वह भी चित्त का उपक्लेश है ऐसा समझकर उसे त्याग दिया, थीनमिद्ध आलस और सुस्ती उसे भी त्याग दिया, भय को त्याग दिया, अति उत्साह को त्याग दिया, जड़त्व को त्याग दिया, अति जोर लगाने को त्याग दिया, कम जोर लगाने को त्याग दिया, बातूनीपन को त्याग दिया, नाना तरह के संज्ञा में जाने को त्याग दिया और तीव्र समाधियों में जाना भी त्याग दिया, क्योंकि ये सभी के सभी चित्त के उपक्लेश है। जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें क्लेश कहा गया है पांच चीजों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या कहा गया है अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुभ समझना, दुख को सुख समझना और अनात्मा को आत्म समझना। राग लोभ को कहा गया है, द्वेष किसी चीज को न चाहने को कहा गया, और अस्मिता अहंकार को कहा गया है, और अभिनिवेश कायम रहने की इच्छा, मय के कायम रहने की इच्छा। इन पांच चीजों को योग सूत्र में क्लेश कहा गया है। और फिर भगवान उपक्लेश बताते हैं, संशय, आलस, जड़त्व, अति उत्साह, भय, ज्यादा जोर लगाना, कम जोर लगाना, बातूनापन और नाना तरह की संज्ञाएं और तीव्र समाधि में चले जाना, यह उपक्लेश भगवान ने बताया है। इन सभी उपक्लेशों को जानकर मैंने इन उपक्लेशों को सर्वथा त्याग कर दिया। फिर भगवान ने देखा कि फिर से समाधि लुप्त हो गई, तो पता चला कि मैं ठीक से ध्यान नहीं दे रहा हूं और रात को दिन समझता हूं, दिन को रात समझता हूं, तो रूपों का अभ्यास ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो मेरे समझ में यह आया कि जिस रूपों के निमित्त को मन में न कर मैं केवल प्रकाश को ही देख रहा हूं,
तो उस समय मुझे प्रकाश का ही दर्शन होता है, रूप का नहीं। और जिस समय प्रकाश के निमित्त को मन में न कर रूपों के निमित्त को ही मन में करता हूँ, तो उस समय रूप का ही दर्शन होता है, प्रकाश का नहीं। इसलिए मुझे रात और दिन का पता नहीं चल रहा है। और जब मैं दोनों को देखूंगा, प्रकाश और रूप, तब पता चलेगा कि अब केवल रात है या केवल दिन है या अब दिन रात है। और फिर मैंने देखा, जिस समय समाधि अल्प होती है, तब मेरी चक्षु इंद्रिय भी अल्प प्रमाण होती है। और इस अल्प प्रमाण चक्षु से अल्प प्रमाण रूप या अल्प प्रमाण प्रकाश का ही दर्शन हो पाता है। और जिस समय अप्रमाण समाधि लगती है, तब चक्षु इंद्रिय भी अप्रमाण होती है। अतः उस समय अप्रमाण चक्षु से अप्रमाण अवभास एवं अप्रमाण रात्रि आदि रूपों के दर्शन होते हैं। तो समाधि की इसी अवस्था में भगवान ने जान लिया कि विचिकित्सा यानी कि संशय, अमनसिकार मतलब दृढ़ संकल्प का न होना, थीनमिद्ध मतलब आलस और सुस्ती, संबितत्व भय, उत्पीड़न अति उत्साह, जड़ता ज्यादा जोर लगाना, कम जोर लगाना, बातूनीपन और नाना प्रकार की संज्ञाओं और रूपों पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाना, यह सब का भगवान ने ग्रहण कर लिया 6 पैदानों के अभ्यास से। और वैसी स्थिति में अनिरुद्ध मेरे चित्त के उपर्युक्त सभी उपक्लेश प्रहीण हो चुके, तो मुझको यह हुआ, क्योंकि मैं अब 3 प्रकार की समाधि की भावना करूं, तो 3 प्रकार की समाधि की भावनाएं क्या है? जो प्रथम ध्यान समापत्ति है, सवितर्क सविचार समाधि, फिर प्रथम ध्यान समापत्ति और द्वितीय ध्यान समाधि के बीच में अवितर्क विचार समाधि, और उसके बाद दूसरा ध्यान अवितर्क अविचार समाधि, इसी तरह प्रीति के साथ, और फिर चौथे ध्यान में प्रीति और सुख दोनों चले जाते हैं, तीसरे ध्यान में प्रीति चली जाती है सुख रहता है, दूसरे ध्यान में प्रीति और सुख रहता है, और फिर उसके बाद केवल उपेक्षा रह जाती है। ऐसी सारी समाधियों का अभ्यास किया, और अनुरुद्ध जब मैंने इन सारी समाधियों का अभ्यास किया और सफलता मिल गई, तब मुझे ज्ञान दर्शन भी हो गया। तो यह बात यहाँ समझने की है कि यहाँ पहले ध्यान से चौथे ध्यान तक का वर्णन है, लेकिन उसको 3 वर्गों में विभाजित किया है, पहले ध्यान से चौथे ध्यान तक के वर्गों को। और चौथे ध्यान के बारे में अरूप ध्यान का वर्णन यहाँ भगवान नहीं करते, क्योंकि ये जो 5वें 6वें 7वें 8वें ध्यान है, इसे बाद में नाम दिया गया 5वां 6ठा 7वां और 8वां, लेकिन ये चौथे ध्यान के ही परिवर्तित रूप है सब के सब। जैसे चौथे ध्यान में हम मैत्री करते हैं, मैत्री का ही रूपांतर करुणा में हो जाता है, करुणा का ही मुदिता में, मुदिता का ही उपेक्षा में, और उसके बाद नए वसन्या नए सनातन में हम पहुंच जाते हैं। तो ये आगे वाले जो 4 अरूप ध्यान है उनको चौथे ध्यान का ही परिवर्तित रूप समझा जाता है, इसलिए किसी किसी सूत्र में केवल चौथे ध्यान तक ही वर्णन आता है, आगे नहीं आता। या किसी किसी को ऐसा भी होता है जिसका अभ्यास बहुत अच्छा हो, उसे पहले दूसरे तीसरे या चौथे ध्यान में ही निर्वाण का साक्षात्कार भी हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चौथे ध्यान से के बाद 8वें ध्यान तक ही हर कोई पहुंचे, उससे पहले भी निर्वाण का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी चौथे ध्यान तक ही सूत्रों में वर्णन आता है। तो भगवान को अर्हत्व प्राप्त हो गया, भगवान कहते हैं मुझे ज्ञान दर्शन भी हो गया और मेरी चित्त की विमुक्ति भी स्थिर हो गई, अब यह मेरा अंतिम है जन्म है, अब मेरा पुनर्जन्म असंभव है,
ऐसा ध्यान मुझे हो गया। तो इस तरह से कैसे समाधि को कायम रखना है, समाधि में जो बाधाएं आती है उसे कैसे दूर करना है, यह भगवान ने अनुरुद्ध को, नंदीय को और तीसरा जो साथी था उसको बताया। भगवान ने यह प्रवचन किया और फिर प्रसन्न मन से आयुष्मान अनुरुद्ध ने भगवान के इस प्रवचन का अभिनंदन किया। तो मुख्य बात यही इसमें है कि कोई भी बाधा समाधि में आए, छह पायदानों का अभ्यास करके उसे दूर करना है और पग पग चलते चलते अंतिम अवस्था तक पहुंच ही जाना है। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साथ, साथ, साथ।